हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। और ये वीडियो जुड़ा है अर्बन फार्मिंग से, यानी अगर आप शहर में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं और अपने घर की बालकनियां, आंगन में ही वो सारी सब्जियां, फल फूल उगाना चाहते हैं जो आप खाते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ आज मेरे सामने लगे हुए हैं बैंगन, टमाटर, मिर्ची, गोभी और स्ट्रॉबेरी भी। और ये सब मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो इसका जवाब देने के मेरे साथ हैं केवीके के साइंटिस्ट ज्योति स्वरूप जी। किसान तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो संभल केवीके के साइंटिस्ट हैं और हॉर्टिकल्चर के साइंटिस्ट हैं, तो ये हमें बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये मान लीजिए ये मिर्च का पौधा मैंने हाथ में लिया, जो फिलहाल यहाँ ये सिर्फ पाँच रुपये में मुझे मिल रहा है, तो अगर ज्योति जी मैं ये ले जाती हूँ अपने घर, तो मैं इसकी देख रेख कैसे करूँगी और कैसे मेरे घर की बालकनी में ही अच्छी अच्छी हरी मिर्चियाँ मुझे रोज़ मिल जाएंगी। देखिए, जो आज का जो परिप्रेक्ष्य है कृषि का, वो ज़मीन धीरे धीरे हमारे पास कम होती जा रही है और हम घरों के ऊपर घर बनाते जा रहे हैं और न्यूट्रिशनल जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी हमें कमी महसूस होती है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम अपने घर की बालकनी पर, छत पर खेती कर सकते हैं और बड़े अच्छे से कर सकते हैं, अपने परिवार को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बचा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमें जो गमले होते हैं उनमें मिट्टी और कंपोस्ट भर करके हम पौधों को लगा सकते हैं। जो ग्रोबैग्स आती हैं, प्लास्टिक ग्रोबैग्स आती हैं और जो प्लास्टिक की अन्य कई एक क्वालिटी में आती है, उनमें मिट्टी और कंपोस्ट भर करके हम पौधों को लगा सकते हैं। उसमें रेगुलर सुबह शाम हम उसमें पानी देते रहें और जो भी हम सब्जी लगाते हैं, चाहे वो मिर्च हो, बैंगन हो या हम कहें कि स्ट्रॉबेरी हो, उसको हम स्ट्रॉबेरी का जो समय है वो यही समय, सब्जियों का भी उपयुक्त यही समय, हम अपनी बालकनी में घरों पर उसको गमलों में लगा सकते हैं और कई एक मल्टी लेयर बना करके हम उनको पाइप के जरिए से भी उसको मल्टी टावर फार्मिंग के माध्यम से भी घरों की छतों पर लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने पॉट कल्चर में स्ट्रॉबेरीज लगाई हुई है। ये स्ट्रॉबेरी का जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर नवंबर ही है और ये मई जून तक फ्रूटिंग देते रहते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का स्वाद हम अपने घर पर तैयार करके, अपनी बालकनी में लगा करके, अपने घरों की छतों पर लगा करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको ले सकते हैं। अगर मैं मतलब हमारे दर्शकों के लिए एक एक करके बात करूँ, हो सकता है कुछ ऐसे लोग जुड़े हों जो पहली बार ऐसी कोई कोशिश करना चाहते हो, तो अगर ये मिर्च का पौधा है तो इसकी हमें पहली तैयारी कैसी करनी चाहिए, एक बार एक पॉट लेना चाहिए, कितना कंपोस्ट, कितनी मिट्टी और कैसी मिट्टी लगानी चाहिए, धूप चाहिए इसे या छाया में रखें, एक बार ये दे दीजिए। और पानी कितना डालें, कब कब डालें मिर्ची के लिए? देखिए, कभी भी जब हम अपने घरों में खेती करते हैं तो मिट्टी और कंपोस्ट का रेशियो 50-50% रखना चाहिए। पानी हमेशा हमें शाम को देना है और एक जो हम एक गिलास पानी पीते हैं उतना ही देना चाहिए। अगर एक्सेस वाटर भी होता है तो गमलों में नीचे छेद होते हैं, वो बाईपास होकर के निकल जाता है। जितने भी प्लांट्स हैं ये शेड लविंग प्लांट्स नहीं हैं, जैसे हम घरों में गमले में आर्नामेंटल प्लांट्स इंडोर में रखते हैं, हमें इसमें धूप देना ही देना है। इसीलिए हम कहते हैं कि बालकनी में अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें भी धूप आनी चाहिए, या छतों पर लगा रहे हैं तो वहाँ भी सनलाइट प्रॉपर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट प्रॉपर पहुंचना अति आवश्यक है। और पानी कब देना है? हर रोज शाम को? शाम को देना है, हर रोज शाम को। तो ये मिर्ची का पौधा है, 50% कंपोस्ट, 50% मिट्टी, मतलब आधी मिट्टी आधी खाद मिला के आप इसे पॉट में लगाइए, हर रोज शाम को पानी दीजिए और इसे सनलाइट में रखिए। तो मिर्ची उगाएगी, कब तक हमें इसमें हरी मिर्ची दिख जाएगी? ये मिर्च जब अभी हम लगाएंगे तो 30 से 45 दिन के अंदर इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी और 90 दिनों तक इसमें फ्रूटिंग वैसे ही होती रहेगी। जब हम घरों में कहीं भी छत पर लगाते हैं और जब इसकी फ्रूटिंग बंद हो जाए तो इसकी हल्की सी थिनिंग कर दीजिए तो फिर से ब्रांचेस निकलेगी, नई ब्रांचेस में नए फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है मिर्ची तो फिर 12 महीने काम करेगा। हाँ बिल्कुल, 12 महीने करते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पाला गिरता है, उस कंडीशन में ये सूख जाएगी, अदरवाइज थ्रू आउट ईयर इसमें हम मिर्च का। और जब सूखेगी तो कुछ करना है बचाव के लिए या एक नेचुरल? उसको पाला के लिए हम बचाने के लिए ऐसी जगह पर रख सकते हैं कि छत के नीचे, जहां पाला ना गिर रहा हो, और जब धूप निकलती है तो उसको धूप में रख सकते हैं। इस तरह से ये पौधा पूरे वर्ष पर बच सकता है। तो ये तो हो गई मिर्ची की बात, 12 महीने मिर्ची का इंतजाम सिर्फ 5 रुपए में हो रहा है, आई होप ऐसा जरूर हो। और अब मैं जाती हूँ, ये है ना टमाटर, तो ये टमाटर है बहुत ही एसेंशियल, पिछले दिनों इतना रेट बढ़ गए थे कि लोग परेशान हो गए थे, जो टमाटर लविंग लोग हैं उन्हें बड़ी परेशानी हुई। तो अगेन ये 5 रुपए का पौधा है, अब टमाटर के बारे में थोड़ा बताइए, ये ले जाके कैसे लगाना है, पानी धूप सारी चीज़ें?
सेम कंडीशन जो मैंने मिर्च के बारे में बताई है वैसे ही आपको टमाटर भी लगाना है। बस है क्या कि टमाटर थोड़ा सा इसकी बेल बढ़ती है तो हमें एक डंडे का सहारा दे देना है, उसी तरह से लगाना है जैसे मिर्च को लगाना है। जब हम 50% कंपोस्ट या 50% मिट्टी लगाते हैं तो हमें फिर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उस कंपोस्ट में इतना न्यूट्रिशनल है कि वो पौधे की खुराक आराम से सप्लाई कर सकते हैं। सर वो नॉर्मल कंपोस्ट है मतलब घर में बना लें या अगर बाहर से खरीद रहे हैं तो कैसी कंपोस्ट हो? वर्मी कंपोस्ट भी आती है और जो देहात में हम लोग जिसको घूरा बोलते हैं, जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, उसको हम ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 5 किलो एक गमले में मिट्टी आ रही है तो 2.5 किलो हम कंपोस्ट से 2.5 किलो मिट्टी से उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा गमला लेना सही रहेगा या नॉर्मल? जो सामान्य एक गमला होता है उस गमले में हम लोग मिर्च लगा सकते हैं। मिर्च का पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है, जिसमें लगभग 1.5 किलो तक मिट्टी आती है उस गमले में हम मिर्च और टमाटर लगा सकते हैं। दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी धूप में रखना है? हाँ, धूप में सनलाइट हर प्लांट के लिए प्रॉपर जरूरी है। और शाम को ही पानी देना है डेली? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टमाटर की बात। और अब आपको एक चीज से हैरानी हो सकती है जो सर पहले भी बता रहे थे, यही है ना वो पौधा? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत पसंद करने लगे हैं स्ट्रॉबेरी को। तो मैं ये है, ये मैंने स्ट्रॉबेरी का पौधा उठाया है यहाँ से। तो सर का अभी जब मैं बात करी थी ऑफ द रिकॉर्ड तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी आपकी बालकनी में उगाएगी और बालकनी में बैठिए, स्ट्रॉबेरी तोड़िए और खाइए, मज़ा लीजिए। तो वो कैसे होगा वो भी बताएंगे। जो शहरी लोग हैं उनके लिए जादू की जैसी बात है, लेकिन आप साइंटिस्ट हैं तो आप फैक्ट के साथ बताइए कि कैसे करें। ये बहुत ही साधारण तरीका है जिसमें हम लोग स्ट्रॉबेरी जब सोचते हैं तो ये भी दिमाग में आता है, ये पता नहीं कैसे उगाई जाती होगी, कैसे उगाई जाती होगी। ये प्लेन एरिया में या हम लोग ये पॉट कल्चर में लगाते हैं, बड़ी आसानी से लग सकते हैं। जो पौधा है उसको आप गमले में लगाइए, जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। शाम को उसमें पानी दे सकते हैं, बेस्ट टाइम यही है। 30 से 35 दिन के बाद इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। इसमें जो रनर्स निकलते हैं उनको हमें हटाते रिमूव करते रहना है, जिससे कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर कोई फर्क ना पड़े। सर, रनर्स क्या होते हैं? रनर्स इसमें कुछ नए पौधे निकलते हैं, नए कल्ले निकलते हैं जो फ्लावरिंग से अलग होते हैं, जिनमें जड़ें होती हैं। जैसे हम दूब घास देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई नया पौधा आगे उसकी शाखा बढ़ती है और जड़ निकल आती है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें प्रॉपर जो इसको न्यूट्रिशन चाहिए वो केवल फ्लावरिंग फ्रूटिंग में लगता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और ये मई तक ये फ्रूटिंग आपके बालकनी में आराम से दे सकते हैं। उसको आप सुरक्षित रखे रहिए, जो रनर्स निकलते हैं उनको कट करके आप अगले गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा। तो एक पौधे से आप कई एक पौधे भी इस स्ट्रॉबेरी के अपने घर में ही बना सकते हैं। इसके लिए खाद भी नॉर्मली वही गोबर वाली? जो हमने गोबर की, देखिए जो हम NPK या जो केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं उनकी रिकमेंडेशन कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए करते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, जब हम घरों में करते हैं तो हमें क्वालिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्वांटिटी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो क्यों ना हम केमिकल फ्री चीज़ें खाएं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कंपोस्ट खाद ही डालिए, उसमें केमिकल की ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो सर ने जो बताया मुझे तो जादू जैसी चीज़ लग रही है कि बालकनी में स्ट्रॉबेरी उग जाएगी, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि ये पौधा मैं ले जाऊँगी और उग जाएगी और शायद मैं सर के साथ फोटो शेयर करूँगी, आपके साथ फोटो शेयर करूँगी। आपने ये वीडियो देखा है तो आप भी ऐसा ज़रूर करिए। अच्छा सर, एक बात बताइए कि मैं तो यहाँ आई हूँ या जो भी लोग यहाँ आए हैं वो ये खरीद सकते हैं, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये सारे नज़दीकी KVK और नर्सरी से जाके खरीद के लगा सकते हैं? सारे KVK नहीं है, कुछ KVK कर रहे हैं। तो मेरा KVK संभल है, वहाँ पर हमने कमर्शियल प्रोडक्शन नर्सरी का किया है। अगर किसी को चाहिए तो हमसे संपर्क करेंगे तो हम उनको जरूर उपलब्ध कराएंगे। अगर आप संभल के नज़दीक रहते हैं, कभी जाना हो जाता है तो KVK से आप इस तरह के पौधे ले सकते हैं, वरना अपने शहर की नज़दीकी नर्सरी से इस तरह के पौधे ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया मिर्ची, टमाटर और स्ट्रॉबेरी को बालकनी में लगाने का तरीका सर की एक्सपर्टीज के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर लग जाता है तो प्लीज़ फोटो ज़रूर किसान के साथ शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।